स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत कल जाएंगे जोधपुर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि कल दोपहर 3 बजे जोधपुर जाएंगे। बड़ी खबर, गैस हादसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो गैस हादसा परिवार में जितने सदस्य इसके शिकार हुए थे उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। सीएम अशोक गहलोत कल जोधपुर जाएंगे। तो दोपहर 3 बजे जोधपुर जाने का कार्यक्रम रखा गया है। गैस हादसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आपको बता दें कि दीपावली के दिन सर्किट हाउस में करेंगे जनसुनवाई। जनसुनवाई के दौरान जितनी भी दिक्कतें हैं लोग मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं और उसका जल्द से जल्द निस्तारित करने की बात कही जाएगी। और बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। दिनेश, जोधपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जोधपुर दौरे पर रहेंगे। अपनों के बीच वो दिवाली मिलाएंगे। कल दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से वो राजधानी जयपुर से रवाना होंगे और 3:15 बजे कुंजला में कीर्ति नगर के अंदर जो गैस हादसा प्रभावित परिवार है उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सीएम गहलोत कल रात्रि विश्राम जोधपुर में ही करेंगे और परसों सुबह सर्किट हाउस में वो लोगों से मुलाकात करेंगे, जनसुनवाई करेंगे, लोगों से दिवाली की शुभकामनाएं लेंगे और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। दिनेश, अगर मुख्यमंत्री कहीं पहुंचते हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत वहां पर उनका दौरा होता है और इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर जिला है जोधपुर, तो वहाँ वो अपनों के बीच में रहते हैं। कोई सुरक्षा या कोई सीमाएं नहीं होती क्योंकि वहाँ उन्होंने जीवन जिया है, खुद ही कॉलेज पढ़ाई की है। तो जो एक प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री का, जहाँ जहाँ वो जाएंगे एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस, वो तमाम व्यवस्थाएं वहाँ के लोकल पुलिस में रहेगी। चलो दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।